ईशान के साथ शब्दाविक जंग पर शेन वॉटसन का बड़ा बयान आया सामने। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच के दौरान माहौल उस समय तनावपूर्ण होता नजर आया जब ईशान शर्मा के चेन्नई के बल्लेबाज शेन वॉटसन के साथ शब्दाविक जंग पर उतर गए। उधर मैच खत्म होने के बाद शेन वॉटसन ने इस पर बात भी की। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के मैदान पर ऐसी बातें होती रहती है। ईशान तब जोश में थे, हमारी बीच हल्की बात हुई थी, ना कोई शब्दाविक जंग। यह खेल का हिस्सा है, इसे तूल ना नहीं देना चाहिए। हुआ ये था, दरअसल पारी के तीसरे ओवर में वॉटसन इस तरीके से रन लेने के लिए भागे थे कि वो गेंदबाज ईशान के साथ टकरा सकते थे। इसके साथ ईशान जख्मी होने की आशंका के चलते गुस्से में आ गए। वहीं वॉटसन के इसके बाद छठे ओवर में रवाड़ा के साथ भी टकराते बचे। दोनों मौके पर ऐसा लगा जैसे वॉटसन जानबूझकर इन बॉलरों से टकराना चाहते हों। वॉटसन ने विकेट पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि चेन्नई की तुलना में यहां विकेट थोड़ा बेहतर था। वॉटसन ने इस दौरान अपनी बल्लेबाजी पर बात करते हुए कहा कि मैं इसका आनंद उठा रहा हूं क्योंकि मुझे बिग बैश के दौरान चोट लगी थी, इस कारण मैं ज्यादा गेंदबाजी पर ध्यान नहीं दिया, इसी चक्कर में मेरा सारा फोकस बल्लेबाजी पर आ गया। वहीं चेन्नई के साथ जुड़ने पर वॉटसन ने कहा कि इससे पहले मैं PSL में खेल रहा था, लेकिन चेन्नई के साथ जुड़ना हमेशा से रोचक अनुभव रहता है, यह बहुत मजेदार था। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।